2021 में, यानी आज से भाई 2.5 साल पहले मैंने ये अपनी PlayStation 5 खरीदी थी, जो कि एक्चुअल में भाई इंडिया वाला वेरिएंट नहीं था, क्योंकि इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुई थी उस टाइम तक। मैंने ये दुबई से इंपोर्ट करवाई थी, और आपको पता ही, अगर हम कोई भी कंसोल बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं तो इंडिया में उसकी वारंटी नहीं मिलती, तो हो सकता था जिस वक्त मैं ये लेकर आया उसी वक्त अगर खराब हो जाता तो सोनी वाले कुछ मदद नहीं करते। बट फिर भी चलो, इस कंसोल ने अपना 2.5 साल साथ दे दिया। बट पिछले 7-8 महीने से ना भाई ये काफी दिक्कत कर रहा है, चलते चलते ऐसे स्टक हो जाती है स्क्रीन, कभी ओवरहीट हो जाता है, कभी ग्रीन स्क्रीन आ जाती है एरर वाली, कभी आवाज ऐसे फटने से लग जाती है, तो मैं खेल ही नहीं पा रहा हूं बिल्कुल भी। इसलिए मैंने सोचा भैया इसको अब टाटा बाय बाय बोलते हैं फाइनली, और अब एक नया PlayStation 5 ले लिया जाए अपने लिए। अब रेट वेट भी सस्ते हो गए हैं, थोड़े ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं, और स्टॉक भी आराम से मिल जाता है, तो इंडिया वाला वेरिएंट खरीदने चलते हैं भैया। कहां पे? जी हां, सही समझे आप, सीधा यहां से गफार मार्केट करोल बाग। तो चलो रास्ते में ज्यादा बोर नहीं करूंगा, सीधा वहीं मिलता हूं आपको। लो जी लोग पहुंच गए हैं फाइनली समुराई कॉर्नर, थोड़ा सा लेट हो गया, रात के 8 बज रहे। कैसे भैया? इंडिया वापस आ गए बस टाइम से। सब बढ़िया, देखा वीडियोस वगैरह? सारी वीडियो देखी है आपकी। अच्छा जी, मजा आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब वापस से मैंने कहा गेमिंग में लग जाए, ट्रैवलिंग तो बहुत कर ली, थोड़ी ना सकते हो, गेम इतनी आ रही है। नहीं वही वही आ भी रही है, अभी 3-4 दिन में ही बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही है। FIFA 24 आ रही है, मोटल कॉम्बैट आने वाली है, सबसे मेन स्पाइडरमैन 2 आने वाली है, स्पाइडरमैन 2 आ रही है, MK आ रही है, बहुत गेमें आ रही है। और दुकान भी मुझे लग रहा है भैया की थोड़ी चेंज सी हो गई है। आ जाओ दिखाओ फिर, करवा दो दर्शन लोगों को। ये देख लो भाई, समुराई कॉर्नर ऑथराइज रीसेलर बेसमेंट वाली शॉप है, एड्रेस बाकी भैया बता ही देंगे, गफार मार्केट में पड़ती है ये। ये देखो जी, पूरा ही नक्शा बदल दिया, चेंज हो गया, ताजमहल बन गया। सही बात है, ऐसे पूरा शोकेस में ना अलग ही लुक आ रही है। और PlayStation 5 देखो, खैर जब मैं गया था ना उससे पहले भी काफी आ चुकी थी, बट अभी तो डिजिटल वाली भी दिख रही है, डबल कंट्रोलर भी दिख रही है, और नीचे देखो दो कंट्रोलर वाला है, ये डिजिटल है, एक गॉड ऑफ वॉर वाला भी है, सारे मॉडल्स है, और ऐसे नहीं कि एक एक पीस है, काफी पीस है। इसके अलावा भी स्टॉक तो पड़ा ही होगा अपने पास, स्टॉक तो है, स्टॉक तो है। और यहाँ पे लगा दिया भैया ने पूरा, ये सारी 5 की 4 की डिस्प्ले सारी सीरीज। नीचे भी देखो भाई, ये देखो लाइन से लगे पड़े, और सिंगल कंट्रोलर वाला भी है, सिंगल भी, सारे के सारे इंडिया वाले है भाई, 1 ईयर वारंटी आप देख सकते हो लिखा हुआ है, तो अपने को भी इंडिया का ही चाहिए, क्योंकि दुबई वाला मेरा खराब हो गया। हमारे पास आपको पता ही है समुराई कॉर्नर में विद बिल, 1 ईयर वारंटी सब, मतलब ले तो लिया, पर उस PlayStation ने ना कितना 2 साल हुए लॉन्च हुए, 2-3 साल 2021 में आया था, 21 के एंड में ही आया था, नहीं फेब में आया था, फेब में, हाँ, तो मैंने उसी टाइम पे लिया था। अब देख लो भाई, 2023 का सितंबर चल रहा है, 2.5 साल चल गया वो, और 6-7 महीने से उसमें दिक्कत आई रही, थोड़ी बहुत दिक्कत है, ज्यादा तो नहीं आई है, पर वो इतनी रिपेयरिंग आई नहीं, वैसे आपके सेट में आई है, वैसे आई नहीं, वो किस्मत मेरी खराब थी, पर इस बार मैंने सोचा कि लूंगा इंडिया वाली, ताकि 1 साल वारंटी मिले, कुछ भी दिक्कत हो सोनी के, आपको इंडिया वाले लेना चाहिए, हम किस लिए बैठे हैं आपके लिए। बिल्कुल, तो आज भैया से लेते हैं, सारी चीजों के रेट पूछते हैं, गेम्स वगैरह का पूछते हैं, और हम भाई एक मीटअप प्लान कर रहे हैं FIFA 24 जब लॉन्च होएगी उसके लिए, 29 सितंबर को मीटअप होगा समुराई कॉर्नर पे ही, डिस्क्रिप्शन में सारी मैंने डिटेल दे रखी है। कितने बजे तक आ जाएगी गेम यहाँ पे? सुबह आ जाएगी, तो हम वही 2 बजे का रख लेते हैं, दोपहर को अराउंड, है ना, 2 बजे के आसपास रखते हैं। और भैया ने अरेंजमेंट क्या करवा रहे हैं, बाहर लगवा देंगे टीवी, तो FIFA 24 का ही कंपटीशन होगा, PS5 23 का 4 का किसका करवाएं, 4 का ही करवाएं, नए का ही PS5 में ही करवाएंगे, 5 में ही करवाएंगे। तो जो भी फीफा फैंस है जिनको अच्छे से खेलने आती है, जिसको भी आना है मैसेज करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे, उस हिसाब से हम सारा सेटिंग करेंगे ना, कि इतने लोग आ रहे हैं, खाने पीने का भी रखेंगे, सब कुछ रहेगा, और एंट्री फीस 0 है, मतलब कोई पैसे नहीं है, प्राइस है, जीतने वाले को क्या दोगे, प्राइस देंगे, लग रखोगे, ठीक है जी, ठीक है। तो चलो भैया की तरफ से पूरा एक प्रॉपर गिव अवे होने वाला है, और कंपटीशन भी होगा, कंपटीशन होगा फीफा का, सही है। बाकी यहाँ पे देख लो, इस गेम का बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जो माइल्स मोरेल्स आई थी उसके ही कंटिन्यूस में ये वाली ये गेम आ रही है, ट्रेलर तो मैंने देखा बहुत तगड़ा, ये गेम अच्छी जाएगी स्पाइडरमैन, मैं वहां था बाहर यूरोप में, पर मजा आ गया ट्रेलर देख के, मैंने कहा ये तो लेनी है 100% इस बार। पिछली बार जब आई थी अपना स्पाइडरमैन, क्या रिस्पॉन्स था, मतलब फर्स्ट डे सेल का, स्पाइडरमैन जैसे गॉड ऑफ वॉर जैसे स्पाइडरमैन, ये तो बिकनी ही बिकनी है इनकी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बढ़िया था पिछली बार भी, है ना। तो जितने भी लोग दिल्ली से है पर्सनली भैया के पास आओ, प्री ऑर्डर कर दो, 500,000 रुपए लेते हो ना, स्पाइडरमैन के 500 रुपए, फीफा के भी 500, कोई भी गेम लेनी हो 500 रुपए एडवांस दो, और उस जिस दिन लॉन्च होगी उसी दिन ही आपको मिलेगी। और अगर कोई दिल्ली से बाहर का है तो वो पेटीएम भी कर सकते हैं, पेटीएम कर दो, हम कोरियर लगा देंगे। अच्छा, काफी लोग ना कमेंट्स में ये पूछते हैं कि हमें प्री ऑर्डर का क्या फायदा, हम उसी दिन क्यों ना लेते, प्री ऑर्डर में आपको बोनस मिलेगा, पोस्टर मिलेगा, अब जैसे स्पाइडरमैन में कीरिंग आ रहा है स्पाइडरमैन का, वो मिलेगा, वो मिलेगा, सिर्फ प्री ऑर्डर वालों के लिए, जैसे गॉड ऑफ वॉर के लिए मग आए थे, मग मिले थे, वो सिर्फ प्री ऑर्डर के लिए, और पोस्टर भी मिलते हैं, पोस्टर भी मिलते हैं।
तो अगर ऑन द स्पॉट लेने और गेम के अंदर भी कुछ ना कुछ बोनस जरूर होता है प्री ऑर्डर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, तभी तो कंपनी प्री ऑर्डर करवाती है और रेट सेम है दोनों, रेट सेम है। इससे अच्छा पहले जब आपने लेनी है तो पहले प्री ऑर्डर करो, बेनिफिट उठाओ सारे। जैसे मुझे स्पाइडरमैन लेनी है तो मैं आज ही प्री ऑर्डर कर जाऊंगा ताकि मुझे वो जो एक्स्ट्रा चीजें है वो भी मिल जाए। बिल्कुल है ना, बढ़िया। तो वेट नहीं करते भैया, निकाल दो प्ले स्टेशन जरा। एक्सबॉक्स वगैरह के भी रेट बता देते हैं सब चीजों के ना, क्या क्या आ रहा है। तो एक्स पहले तो PS5 से शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे पास जो पहले प्ले स्टेशन है ना उसमें मेरे पास ऑलरेडी दो कंट्रोलर है, तो मैं ये डबल वाला तो नहीं ले रहा, सिंगल वाला ही ले रहा हूँ, पैसे बचाते हैं। सिंगल ही लो, आपके पास कंट्रोलर तो है ही है, क्या करना है, बाकी सब चीजें मिली जाएगी तो निकाल दो। अच्छा, इसका MRP दिखा दूं भाई मैं, जो डबल वाला है ना, डबल वाले का MRP आ रहा है 58,990 रुपीज, और सिंगल वाले का आ रहा है MRP 54,990, मतलब 4,000 रुपए का फर्क है ना। और वैसे कंट्रोलर कोई लेता है 5,500, हाँ तो फिर तो फायदा पड़ रहा है ना बंदे को। अगर आपको दो कंट्रोलर लेने ही है भाई तो फिर ये ड्यूल वाला ही लेना, क्योंकि 1,500 रुपए बच जाएंगे लगभग इस वाले के अकॉर्डिंग। बट मुझे चाहिए नहीं भाई, मेरे लिए यही बहुत है। और देख लो भाई, प्रॉपर स्टिकर लगा हुआ है सोनी का, 1 ईयर वारंटी वाला, अटेंशन सब लिखा हुआ है। ये तो खराब हो नया ले जाओ, यही तो कंपनी सोनी की सबसे बढ़िया है कि खराब हो रिपेयर नहीं करते, सीधा सीधा नया रिप्लेस मिल जाए। तो इसका कहाँ है सर्विस सेंटर वगैरह? हर जगह है, नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, रजौरी, नारायणा, हर जगह है। ठीक है, ये चीज सही है। एक्सबॉक्स का इंडिया में बुरा हाल है, वो क्या करते हैं, सर्विस सेंटर ही नहीं कहीं कुछ नहीं, ऑनलाइन उन्हें कॉल करो या वो करो फिर वो देखते हैं। इसका नया कंट्रोलर आया, ये कलर आया, दिखाना कौन सा, ग्रे कैमो आया नया, निकालना एक बार। ये देखो भाई कुछ इस तरह से, क्या प्राइस तो सेम ही होंगे या प्राइस सेम है, सबकी MRP सेम है। कितने का इसमें? 6,390। 5,500 का देते हो वैसे? नहीं, ये वाला देते हैं 57 का, 57 कोई रेड कलर ये और ब्लू जो भी कलर है 57, बाकी वो 55 व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक। और वो दिखाना ड्यूल सेंस एंच, क्या फर्क है थोड़ा एक्सप्लेन करोगे लोगों को? इसमें कस्टमाइज हो जाते हैं बटन, अच्छा सारे इधर से उधर सारा कुछ, मतलब निकाल के निकाल के अपने अकॉर्डिंग कर सकते। ये क्या MRP आ रहा है इसका? ये 19,000। ओ भाई साहब, 18,990, बड़ा महंगा है। साइज सेम है कंट्रोलर का या बड़ा है थोड़ा? सेम ही है पर हैवी बड़ा, भारी बहुत, भारी बहुत, भारी बहुत है। हाँ। ये देख लो भाई, इसका MRP 18,990। कितने का दोगे ये? 16,500। बताओ ये इंडिया वाले है सारे? सब इंडिया, सब इंडिया। तो इनमें 6 महीने आती है वारंटी? 6 महीने, 6 महीने की वारंटी है। तो अगर किसी को लेना ये भी ले सकते हैं। और बाकी हेडफोन रिमोट भी है इनके पास, मीडिया रिमोट। ये दिखाना हेडफोन, दिखाना कैसे है ये? वायरलेस है प्रॉपर? सब वायरलेस। ये भी ग्रे, जो इनके पीछे पहले आते थे गोल्ड और वो इतने खास नहीं थे, ये कैसे? ये है, बेटर है ये? हाँ, उससे बहुत बेटर है। कितने ये? 4 में भी चलेगा। अच्छा, 4 में भी 5 में भी। और ये नॉर्मल क्या है? ये सेम प्राइस है सारे, कलर का फर्क है। हाँ, ये कैमोफ्लेज में 8500 है MRP, 7576 का। तो ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है? नहीं, ये है ना, हाँ, इसमें डिवाइस मिलता है जो आपको PS5 में लगाना है, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ। तो सही है ये, मतलब मैंने इसके अच्छे रिव्यू सुने हैं। हाँ, ये पहले वाला इतना होता है। हाँ, जो पहले वाला था ना वो इतना अच्छा नहीं था। हाँ। गोल्ड वगैरह जो आते थे। ये 4 के कंट्रोलर, ड्यूल 4, ड्यूल शॉक 4। और क्या एक्सेसरीज आ रही है? ब्लैक कलर। मीडिया कंट्रोलर कितने का रिमोट जो है? ये 2200, 2200 रुपए का। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है सोनी का अपना ऑफिशियल जो आता है? ऑफिशियल तो फिर बस यही है, एक चार्जिंग डॉक आता है, वो अभी है नहीं स्टॉक कहीं भी। बाकी ये देख सकते हो आप भाई, गेम्स भी सारी है इनके पास PS4 की। एक मेरे पास ये सेकंड हैंड आया है, किसी को चाहिए हो तो। अच्छा जी, लोग बेचना भी शुरू कर दिया? ब्रांड न्यू कंडीशन है, डिजिटल है, रिपेयर तो नहीं है? कोई रिपेयर नहीं, इसकी खराब हो अभी नया मिल जाएगा, गारंटी है इसकी अगले महीने मई तक, मतलब 9 अक्टूबर तक। मतलब अगले साल कह रहे हो? हाँ, अगले साल मई तक। 5 महीने पुराना है सर। ओ भाई साहब, कितने का पड़ेगा ये पड़ेगा आपको? 35 का। 35,000 में डिजिटल वाला यूज्ड मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने पुराना ही है समझ लो, है ना। एक कंट्रोलर और डब्बा भी है, बॉक्स भी है, डिजिटल है, डिजिटल है। वैसे डिजिटल नया कितने का ये जो है? वैसे 43,500। और इसके MRP आ रहा है 44,990। अच्छा, सेल वेल आ रही है कोई आसपास जिनको सेल? तो देखो, बिना कंपनी बताती नहीं, कभी भी आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब पीछे आई थी सेल 45 का, सही बात है। ठीक है, तो अभी किसी को अर्जेंट में चाहिए ले लेना भाई, रेट आपको मैंने सारे बता दिए। बाकी सेल आएगी तो भैया का नंबर दे ही रखे, इनसे फोन कर लेना। कुछ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डालते हो आप? हाँ, इंस्टाग्राम है ना मेरा। हाँ, तो बस इंस्टाग्राम समुराई कॉर्नर सर्च करो, वहाँ पे आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा। हाँ। कोई भी आप मैसेज करोगे। ठीक है जी, वहाँ पे भी आप ऑफर देख सकते हो, जो भी लेटेस्ट है। बाकी चलो जी, इसका बिल कटवाते हैं। अच्छा, बिलिंग की बात करें तो प्रॉपर GST बिल मिलता है? प्रॉपर GST। तो जिसकी GST किसी को GST बिल चाहिए अपने फर्म के नाम, तो GST ही कटेगा बिल। तो फिर तो उन्हें और सस्ता पड़ जाएगा एक तरह से, 18% GST का बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे वो काम नहीं होते कि किसी और के नाम पे बिल कटा हुआ है फिर आपको दे दिया है ना। अब मार्केट में क्या हो रहा है, PS5 कोई लेता है, बिल देते हैं 3 महीने पुराना दे दिया किसी और के नाम का, Amazon का, वो कहते हैं आपको क्या गारंटी मिलने में दिक्कत आएगी।
अब अभी ले तो लोगे, सस्ता मिल रहा है मार्केट में, जिससे भी लो डीलर से लो, जैसे हम लिखा हुआ है सोनी ऑथराइज्ड डीलर, जिससे भी लो डीलर देख के लो, सील लो, अपने नाम से बिल लो, जैसे आप ले रहे हो अनमोल जायसवाल, अनमोल जायसवाल के नाम से बिल कटेगा, उसी वक्त कटेगा, उसी वक्त कटेगा, बस ये बेनिफिट लो हमसे, कोई फेक नहीं, कुछ नहीं, आपके सामने ये सब ओरिजिनल चीजें हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया और ग्रे मार्केट में डिफरेंस क्या पता चलेगा? एक तो स्टिकर हो गया, और एक तो स्टिकर हो गया, एक तो अंदर वारंटी कार्ड निकलेगा येलो, इसमें निकलेगा येलो वारंटी कार्ड निकलेगा, उसमें नहीं निकलता। और कुछ सीरियल नंबर का भी फर्क आता है? उसी जो सीरियल होगा नंबर डब्बे में वही होगा, और आगे बिल में भी वही होगा। और हमारा सबसे बढ़िया कंप्यूटराइज बिल है, कोई मैनुअल बिल पर्ची नहीं काटनी, क्या है क्या नहीं, क्यों कंपनी ने बोल दिया उसकी वैल्यू नहीं है, गारंटी मिलने में दिक्कत है, इसलिए हमारा सारा सिस्टम है। तो यहाँ पे जो भी है परफेक्ट काम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो इस तरह से डब्बा है भाई, बाकी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी अगली, आप देख लेना। और फाइनली ये वाला पीस मैं अब अपने घर रखूंगा, ऑफिस नहीं रखूंगा, क्योंकि ऑफिस रखता हूँ ना, ऑफिस में ही कुछ ना कुछ पंगे होते हैं, बार बार कोई साइन कर दो यही डब्बा जाएगा। हाँ, ये घर ही जाएगा सीधा, वो वाला दूसरे वाला जो खराब है वो ऑफिस में रखा करूंगा। PS5 तो हो गए, अब मेरे पास हर तरह के कस्टमर आते हैं, कोई PS5 हर कोई नहीं ले सकता, तो उसके लिए मेरे पास PS3 भी है। अच्छा जी, होगा सेकंड हैंड, पर कंडीशन बिल्कुल न्यू दूंगा, ये है सुपर स्लिम वाला। हाँ, सबसे बड़ी सेल पैक, किसी को चाहिए हो 3,250,000 रुपए, 25 गेम डाल के, 500 GB बॉक्स पैक। उसके बाद PS4 चाहिए हो किसी को, सब सेकंड हैंड है, नए तो देखो बंद हो गए हमारे PS4, ये सारे देखो अभी आए हैं, अब ये चेकिंग में लगे हुए हैं, सारे चेक होंगे, अपना स्लिम वाले स्लिम है, सारे सील पैक होंगे मेरे पास। आओ सबसे पहले सील देखो, ये सील पैक है, और अभी ये चेक होंगे सारे, एक एक घंटा हम चेक करेंगे, कुछ भी डिफॉल्ट होगा तो हम नहीं लेते, हम वापस रिटर्न कर देते हैं। कस्टमर से लिया हुआ है, जैसे किसी ने PS5 खरीदा, 5 ले रहे हैं, 4 हम चेक करके ही लेते हैं, ऐसे लेते नहीं, कहीं बाहर से भी आ रहे हैं, यूज्ड पीस आ रहे हैं बाहर से भी आ रहे हैं, कहने का मतलब है ये भी मिलेगा आपको, कंडीशन A1 मिलेगी और सील पैक मिलेगा, 2 महीने गारंटी भी देंगे। अच्छा जी, क्या रेट है? ये अलग अलग रेट है, रोज के रेट है, कोई हम PS4 अगर स्टार्टिंग करें तो 16,500 से। अच्छा जी, फ्लैट मॉडल, प्रो आपको 19,000 में भी दे देंगे हम, गेम सेम्स लोड करके, नहीं नहीं विदाउट विदाउट गेम। और ये उसका क्या, प्रो का क्या सीन है? प्रो भी दे देंगे, प्रो दे देंगे 24,500 का। और आता था कितने का आता था प्रो? पहले 30,000 रुपए का था, अब तो बंद ही हो गया, अब बंद हो गया, इसलिए ज्यादा डिमांड हो गई है। वही वही, क्योंकि देखो इसके बाद सीधा क्या, PS5 50,000 का है, PS5 हर कोई नहीं लेता, इसलिए ये तो मेरे सबसे ज्यादा ये मेरे बिकते हैं PS4। सही बात, 5 तो बिकते ही है हमारे, सबसे ज्यादा हमने कम से कम पता नहीं कितने पीस बेच दिए PS4 ना। हाँ, PS5 PS5 देखो, PS4 इस टाइम पर लेने का फायदा ये है कि PS5 में जितनी भी गेमें आ रही है ना, वो PS4 में भी आ रही है सारी। हाँ। तो आप टाइटल्स तो सारे इंजॉय कर पाओगे, बस थोड़ा सा उससे क्वालिटी डाउन है, हल्की है ना, बाकी जो नए गेमर्स है जो पहली बार, बाकी अब जैसे स्पाइडरमैन वो नहीं आ रही, अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, अब कम हो रहा है, अभी तक तो बहुत गेम्स हैं, जिसके लिए देखो ये भी गेम सारी नई है जिसने 4 लेना है। बिल्कुल सही बात है, नए गेमर हो तो PS4 की लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, किसी ने लेना हो तो सील पैक मिलेगा, 2 महीने गारंटी मिलेगी, जैसे कहोगे वैसे आपको एक एक चीज चेक करवाएंगे, और सबसे बड़ी कंट्रोलर ओरिजिनल देंगे, मार्केट में सब कॉपी दे रहे हैं 1,000 रुपए का, हमारा 4,500 रुपए का रिमोट होगा, यूज होगा पर होगा ओरिजिनल। सील पैक से मतलब भैया कि रिपेयर्ड नहीं है? हां, रिपेयर्ड नहीं, डब्बा तो पैक नहीं मिलेगा, रिपेयर्ड हम लेते ही नहीं है। हां, वही वही सही है, नहीं सही है, यहाँ पे ये चीज है, आप चेक करके ले जाओ अच्छे से, और 2 महीने की वारंटी भैया वैसे, और देखो चेक 2 दिन में बच्चे कर लेते हैं, जो भी बड़ा है कोई भी खेलता है 2 दिन में चेक हो जाता है आराम से। हां ठीक है, हीटिंग प्रॉब्लम क्या है सब चेक हो जाता है। और ये देख लो भाई, डब्बे तक है बिल्कुल ऐसे चमचमाते हुए, चेक हो गए हैं, बॉक्स में डल गए हैं सारे। हां वही, ऐसे ये सारे चेकिंग में लगे हुए हैं, सब चेक होके बॉक्स डल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा निंटेंडो स्विच का थोड़ा बता दो, और एक्सबॉक्स, लो जी लो आ गया है निंटेंडो का पूरा कलेक्शन, भंडार है निंटेंडो भी मेरे पास। किसी को ये चाहिए हो, ये आजकल बहुत चल रहा है जेल्डा एडिशन, नया आया जेल्डा गेम भी नहीं है ये। हाँ, किसी को चाहिए ये भी मिल जाएगा नॉर्मल, ये नियॉन कलर तो सबको पता ही है, व्हाइट भी है ये भी है, ये स्पेलेटून 3 भी आया एडिशन, और ओलेड वाला ये है, ये सब ओलेड है, सारी ओलेड है, अब ओलेड ही आ रहे हैं, नॉर्मल नहीं आ रहा, नॉर्मल नहीं आ रहा। ठीक है, क्या रेट है बता दो? ये दे देते हैं 26,800 पे, बहुत सही, सस्ते हो गए काफी, है ना, 35 का लिया था ये थोड़ा महंगा है, ये 28 का है, 28 ऐसे है, इनके रेट ना बाहर से आते हैं, रेट रोज ही ऊपर नीचे, डॉलर पे भी डिपेंड करता है। ये अभी 28 यही वाला हो गया था नॉर्मल, ये अब कम हुआ रेट के रोज के है, कोई ये ना बोले कि वीडियो में ये बोला था, तो रेट हर चीज के ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब आपके आते हैं, हमारे कस्टमर बड़े आते हैं कि आपने तो 500 रुपए बोले थे, वो 500 वाली गेम देखो, अब $500 का रेट होता है, सब चाइना से इधर उधर से आता है, तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। और ये जो निंटेंडो है ना, ये वैसे भी ऑफिशियली इंडिया में नहीं आता, ये बाहर गई है, तो इसमें ना तो वारंटी मिलेगी ना बिल मिलेगा, बिल्कुल ना, पर निंटेंडो कंपनी खराब नहीं होती। हां, मैंने भी ले रखा है, 2.5 साल हो गए आपके पास, तो सब है, चलो निकाल लो, एक्सबॉक्स भी देखते हैं। अच्छा, कंसोल तो है,
गाड़ी है, साथ में यहाँ पे अंकल जी भी मिलेंगे आपको जो सारी कंसोल्स की रिपेयरिंग भी करते हैं। PS5 का भी कर देते हो अंकल जी? बताओ, PS5 भी रिपेयर हो जाएगी तो PS1 PS2 PS3 PS5 हीट हो रही हो, PS4 हीट हो रही हो, कुछ भी हो, कंट्रोलर खराब हो, कंट्रोलर ड्रिफ्ट कर रहे हो, सब अंकल ठीक कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके सामने ठीक होगा, यहाँ हैंड टू हैंड होगा, हैंड टू हैंड। अगर टाइम देना हो टाइम भी लेते हैं हम कि 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, पर होगा आपके सामने यहाँ पे ठीक। कई लोग कहते हैं कि छोड़ जाओ 2 दिन बाद। वो पता क्या है, वो खुद ठीक नहीं करते, वो कहीं और बेचते हैं। हमारा तो सब कुछ सेटअप ही यहीं पर ही है सारा रिपेयरिंग का। और इससे फायदा ये है कि यहाँ पे सस्ते में हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा, रीजनेबल में हो जाएगा, और सबसे बड़े 1 महीने की गारंटी भी देते हैं रिपेयरिंग की हम। सही है, तो कुछ भी रिपेयर करवाओ, कुछ भी हो सब देखो, ये अभी PS4 ठीक हो रहा है, किसी का खराब है, कोई आईसी है क्या है, सब ठीक हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़े कंट्रोलर बहुत खराब होते हैं उनके, PS5 का भी कंट्रोलर हो जाता है सब उसके। तो अंकल जी लगे पड़े यहाँ पे, देख लो भाई पूरा मशीन लेके, तो आप भी करवा सकते हो। निकाल लो एक्सबॉक्स, दिखाओ थोड़ा। यहाँ पे भैया के पास एक्सबॉक्स सीरीज एक्स आए हुए, लेकिन ये PS5 सेकंड हैंड पड़ा है हमारे पास, तो एक्सबॉक्स भी पड़ा है हमारे पास सेकंड हैंड ये, और ये बिल वाला है, मुश्किल से बिल्कुल मेरे ख्याल से 4 महीने पुराना है सर, वारंटी में कंडीशन ब्रांड न्यू। अच्छा, हाँ, मेरे ही कस्टमर है, मेरे से ही ले गया था, तो ये कोई किसी को चाहिए हो ये भी हम दे सकते हैं। क्या रेट पड़ेगा ये? मैं इसकी है 38। और नया कितने का है? नया तो बहुत महंगा है, नया 55 का। ओ भाई साहब, 4 महीने पुराना 55,000 वाली चीज 38 में। थोड़ा बहुत और डिस्काउंट दे देना, देख लेंगे। आपके नाम से जो आता है हम उसे डिस्काउंट करके ही बेचते हैं, फिर भी देखो वो लेके ही जाता है। 16-17,000 रूपए सस्ता पड़ रहा है, बहुत सही चीज है। मैं मेरे हिसाब से भाई किसी को भी लेना, गारंटी में अभी वारंटी में, खराब हो नया मिलेगा बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो यही लेकर जाओ भाई, नया मत खरीदना, सेकंड हैंड इतना सस्ता आपको नहीं मिल सकता कहीं भी। Oculus CEO किसी को Oculus 128GB, ये नया है, ये Meta Quest 2 है, कितने का ये हम दे रहे हैं 31,500। पर ये इंडिया का पीस नहीं आता ना, ये इंडिया में सब इंपोर्टेड है, सील पैक है। सही हो गया इसका भी रेट। और VR2 का क्या सीन चल रहा है? VR2 वही बिक रहा है बाहर विदाउट बिल वाला, इंडिया में नहीं आ रहा। 48-47 ऐसे, इंडिया वाला आने वाला है, जल्दी आने वाला है। मैं गया था उससे पहले के बोल रहे हैं, 4 महीने तो मुझे गए हुए हो गए। पर प्लेस्टेशन वालों का थोड़ा ये तो है भाई, सोनी वाले इंडियन मार्केट को ना अभी ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, बस थोड़ा VR2 5 में ज्यादा ध्यान है। VR2 बिकने वाली चीज है, नहीं आ रहा अभी इसका ना, वो आ रहा है रिमोट कंट्रोलर बैकबोन की तरह जिसमें स्क्रीन लगी हुई है, वो भी बाहर आ जाएगा देख लेना, इंडिया में बहुत लेट लाएंगे। पर भैया जो जुगाड़ करवाई देते अपना है, करवा दोगे हमारे लिए तो एक पीस? चलो ठीक है जी, चलो हो गए मेरे ख्याल कंसोल्स तो सारे ना, सारे हो गए। ठीक है जी, अपना PS5 लेते हैं और निकलते हैं। पूरी मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो गई है, भैया की शॉप खुली है। क्या टाइमिंग रहती है वैसे यहां? ये बंद है 9 बजे, 9 बजे। सुबह कितने बजे? सुबह हम खोल लेते हैं 12 बजे, और मंडे बंद है, मंडे बंद। तो जिसको भी लेना है ट्यूजडे से संडे तक आओ आप, और 12 से 9 बजे तक आपको। ठीक है जी, बाकी दुकान आपको बताई दी, एड्रेस एक बार और बता दो। शॉप नंबर 146 गफार मार्केट रोल बार, नीचे बेसमेंट वाली शॉप पे, नियर किशन छोले भटूरे। ये देख लो, इस तरह से सीढ़ियां जाती है नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, समुराई कॉर्नर, ऑथराइज्ड रीसेलर है ना? हाँ, रीसेलर भी है, ऑथराइज्ड डीलर वगैरह सब है। ठीक है, समुराई कॉर्नर एक ही है मतलब, हाँ, पूरे वो भी नीचे है, कोई ऊपर नहीं है, कोई इधर नहीं है, समुराई कॉर्नर एक ही है, ये चीज बस ध्यान रखना। ठीक है जी, ठीक है। बाकी प्री ऑर्डर कर लो और मीटअप में जरूर आ जाना। मीटअप का सारे बताओ कैसे करना है, क्योंकि आप ये सारा हमें बताओगे तो हमें कुछ होगा कि हम कुछ ज्यादा और अच्छा करें। एक बार फाइनल अपडेट जो है ना वो इंस्टाग्राम पे मेरे भी और भैया के भी मिल जाएगी। अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है। आपके जैसे जैसे मैसेज आएंगे, इंक्वायरी आएंगी, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।